तो भैजी को है भुली को आशीर्वाद, बूढ़ा जी को प्रणाम और बूढ़ी जी को प्रणाम। तो क्या हाल चाल सबके, फिर आ गए अनदर ब्लॉग के साथ। तो आज जा रहे हम खंडा, खंडा में कुछ सामान वामान लेना है। दोबारा से सामान ख़त्म हो गया था तो पापा और सिर्फ मैं ही जा रहे हैं गाड़ी में। और सब्जियाँ लेनी है, कुछ फल फ्रूट्स लेने हैं और जो दो तीन छोटी मोटी चीज़ें लेनी है वो लेके फिर आपसे घर आना है। तो चलो फिर चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं आगे कुछ प्यारे मोमेंट्स देखने के बाद, और कुछ अच्छे अच्छे बादल लगे हुए वो दिखाता हूँ आपको। चलो फिर बाय। मैं पहाड़ से क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है, रास्ता देखो स्वर्ग यहाँ पे। तो यार इसमें पहुंच गए हैं हम खंडा मार्केट, और खंडा मार्केट से लेना है हमें सेल। फोन आ रखा हो रहा, सेल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे सेल कैसे होते हैं, एक बार आप सेल देख लो। और भैया कहाँ गए, टाइम लगेगा। जो ये शॉप वाले भैया हैं ये सामने जा रखे हैं राशन लेने के लिए, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, गेहूँ चावल दाल जो भी हो उनकी तरफ से व्यवस्था हो रही है वो सामने मिल रहा है यहाँ पे। खंडा जितने भी आसपास से गाँव होंगे सब यहीं पे आ रखे लेने के लिए वो। और ठीक है यार, अच्छा है गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है किसी के लिए, चाहे वो खाने के लिए प्रबंध करवा रही हो। तो भैया आ गए सेल देने के लिए। भैया एक ऐसा करो, आधा किलो अलग कर दो, 30 रुपये अलग कर देना। मैं आपको सेल दिखाता हूँ सेल होते जाते। भैया घर पर बनाते हैं यहाँ पे। हाँ लाइव नहीं, ये ब्लॉग चल रहा है मेरा, मैं सब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना YouTube में डालने के लिए। आपका शॉप नेम क्या है? रावत चाय नमकीन भंडार। ये पौड़ी से श्रीनगर के पीछे पड़ता है, खंडा में पड़ता है आपको। ये मेन रोड है श्रीनगर से, पौड़ी से श्रीनगर जाती है, जिसकी पौड़ी से श्रीनगर कम से कम 35 किलोमीटर के आसपास है। और भैया सेल दिखाओ ये अपने एक बार। आप श्रीनगर से 10 किलोमीटर, पौड़ी यहाँ से 20 किलोमीटर है, यहाँ से श्रीनगर 10 किलोमीटर है। और भैया के सेल देखते हैं एक बार। ये भैया के सेल हैं, ये भैया घर पे बनाते हैं और बहुत टेस्ट है यहाँ पे, बहुत फेमस है भैया के सेल, बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप पूछ लोगे तो आप हमको बता देगा हाँ हमने खाए हैं, और बहुत ज़्यादा बिक्री है इसकी। अभी सब कुछ ठीक लॉकडाउन में कैसे चल रही है दुकानदारी? ठीक चल रही है, मतलब 12 तक लॉकडाउन है, 25 तक लॉकडाउन है। लेकिन टाइमिंग क्या है पर डे का? आज 12 बजे तक है ना, 7 से 12 है ना। चलो अपने सेल ले लिए अपने, अब चलते हैं आगे और कुछ और सामान लेते हैं। अब ले रहे हैं हम चिकन, और आज चिकन खाने का मन था, पापा कह रहे चिकन ले लेते हैं। चिकन लेके चलते पर मार्केट शॉप में, उसके बाद थोड़ा सामान वामान लेते हैं फिर घर चलेंगे। तो मौसम्बी लेते हैं। अब मौसम्बी क्या दे रहे हो? मौसम्बी 100 रुपये किलो, आधा किलो कर देना। अच्छा वो ये तुम्हारा नारियल का तेल है, ये एक डब्बी दे देना। तो शॉप में आए लेने पापा सामान वान ले रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि जो ये रोड है ये पौड़ी से आई है, श्रीनगर जा रही है, मेन रोड है पौड़ी से श्रीनगर वाली। और ये कुछ समथिंग है पौड़ी से श्रीनगर की तरफ, तो टोटल किलोमीटर है 35 किलोमीटर है, ठीक है। और जो ये खंडा पड़ता है, ये खंडा पड़ता है यहाँ से 25 किलोमीटर समथिंग, ये पड़ता है यहाँ से 10 किलोमीटर श्रीनगर पड़ता है। और जो भी है यहाँ से ठीक है, ये थोड़ा पौड़ी श्रीनगर जाने का सबसे बेस्ट है ये, और रोड अच्छी बनी हुई है इसमें, वो दिक्कत नहीं है जाने के लिए। और बीच में आपको कई सारी शॉप मिल जाएंगी, श्रीकोट में भी शॉप मिलेगी आपको, खंडा में भी शॉप मिल जाएगी, और उसके बाद कोई अच्छी शॉप है नहीं आगे, तो सीधा आपको श्रीनगर ही मिलेगी। अगर पौड़ी से आओ तो आप श्रीकोट ट्राई कर सकते हो और खंडा ट्राई कर सकते हो, दो मार्केट है आपके पास अगर पौड़ी के बाद आपको कुछ सामान लेना है आपको। अच्छा है चलो, मौसम भी अच्छा हो रखा है, बादल वादल बने हुए हैं अभी।
अब ले रहे हैं सब्जियाँ, टमाटर, खीरे, ये सब खेत के हैं, बंद गोभी और मूली, शिमला मिर्च, बीन्स, धनिया, ये बैंगन सब खेत के हैं ये। और ये अपना खंडा मोड़ बैंड, ये बैंड बोलते हैं यहाँ पे, बहुत घुमा वैसे ये बैंड बोलते हैं। और ये यहाँ का भूटिया कुत्ता, घमंड है भाई इसमें भी। ओए ओए, ये हमारा भूटिया कुत्ता। और ये सामने खेत हैं, इसमें सब्जी लगी हुई है, पीछे मुर्गी फार्म है, पूरा मुर्गी का करते हैं। और ये भी मुर्गी इनकी है, इनका ही फार्म है वो, ये अंदर मुर्गी काटते हैं वो। चलो यार सब्जी लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ, जल्दी जल्दी पहुंचना है और ज़्यादा लंबा ब्लॉग करना नहीं है हमें। सब्जी ले ली है ऑलमोस्ट, धनिया भी ले लिया, और अब गाड़ी में बैठते हैं निकलते हैं फिर। यार देखो फाइनली कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बादल वादल लगे हुए हैं। और अपना सामान निकालते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। सब जगह बादल लगे हुए हैं, आई होप आपने देख ली होगी वीडियो, और बहुत सारे हर जगह बादल लगे हुए थे। ठंडा मौसम हो रखा है, बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे बस यही दुआ करूँगा। और इतने प्यारे प्यारे ब्लॉग्स को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू, और पिछली वाली वीडियो को प्यार देने के लिए थैंक यू। और बस यार ऐसे ही मौसम चल रहा है यहाँ पे, डेली वही जाना आना घूमना। तो कुछ अलग हमने सोचा है, पापा मैंने शाम बात कर रहे थे अभी गाड़ी में कि शाम को चलेंगे ऊपर, तो कुछ अलग उसका व्यू दिखेगा, वहाँ से पौड़ी दिखता है, सब जगह दिखते हैं, हिमालय दिखता है। आई होप हिमालय दिखे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो फिर आपसे अब अलविदा लेते हैं, मिलते एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, सबको नमस्ते, जय उत्तराखंड, जय हिंदुस्तान, बाय बाय। हाँ हूँ मैं पहाड़ से, क्योंकि मेरे खून में पहाड़ी है, बसता देखो स्वर्ग यहाँ।